एहुनीहा और एडवांस कला में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे हम बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू डिज़ाइन बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले ये 18x12 इंच का फैब्रिक लेना है और मैंने यहाँ पे लिया है बुकरम। अगर आपके पास फोम है तो आप फोम भी ले सकती हैं और सिंपल अस्तर भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैंने लिया है नॉन वन। तो अब हम पहले बुकरम और कपड़े को ऐसे स्टिच करके जोड़ देंगे। तो ये हमारा जुड़ गया है। अब हमें ऐसे एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करके इस तरीके से रखना है। अब देखिए 3 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है और नीचे की ओर भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे भी 3 इंच पे मार्क करना है। अब देखिए इस साइड हमें 3 इंच पे मार्क करना है और ऐसा बॉक्स बना लेना है और टोटल हमें 6 बॉक्स बनाने हैं और यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब क्रॉस में हमें ऐसे लाइन खींचनी है। तो देखिए ये घड़े के आकार का लुक आ जाएगा। अब हम जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर की ओर है वहाँ पे फोल्ड करके राउंड शेप देना है। तो ये यहाँ पे मैंने राउंड शेप मार्क किया है, अब हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें हैंगर के लिए 13x3 इंच के ऐसे दो पार्ट लेने हैं, उसे फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें स्टिच करना है और हमारे रेडी हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्क करके या फिर आप अपने अंदाजे से यहाँ पे हैंगर को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हैंगर को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से हैंगर को अटैच करना है। अब देखिए हमें जिप लेनी है, जो ऊपर का राउंड है उसी के नाप से लेनी है और यहाँ से यहाँ तक हमें स्टिच करके जोड़ना है और जिप को हमें ओपन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करके जिप को जोड़ना है। दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से जिप को जोड़ देंगे। अब हमें अस्तर का जो पार्ट उसी के नाप से हमें कट करना है और ऊपर हमें ऐसे स्टिच करके जोड़ लेना है। ऊपर की ओर हम जोड़ेंगे यहाँ पे और दूसरी साइड यहाँ पे भी हम स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ से छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। उसके बाद हमें ये जो बैग का पार्ट है उसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो ये कॉर्नर है वहां पे हमें स्टिच करके जोड़ लेना है और ऊपर की ओर प्रेस स्टिच कर देनी है। देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करके अच्छे से जोड़ लेना है। और जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है वो हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। अब हमें ऐसे फोल्ड करना है और रनर को जिप में इन करना है। तो ये हमारा रनर जिप में इन हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ही हमें स्टिच करना है। नीचे का जो कॉर्नर है वहाँ पे स्टिच नहीं करना और बैक को हमें उल्टा कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही स्टिच करना है और एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारी स्टिच हो गई है। अब नीचे का जो कॉर्नर है देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है और फिर सीधा स्टिच करना है। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से स्टिच करके जोड़ लेना है। अब हम बैक हमारी रेडी हो गई है, हम बैक को सीधा करेंगे।
तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर हमारी बैग रेडी हो गई है, जिसका नीचे का बेस भी बहुत ही अच्छा है और देखिए इसके अंदर पेस भी बहुत सारा है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।